नॉट ए डिस्क्लेमर। तो कैसे हो मेरे प्यारे भाई बंधुओं। तो यार देखो, आज मैंने एक चैलेंज लिया कि मैं माइनक्राफ्ट के अंदर मैं बनाने वाला हूँ निश्चय भाई का वर्ल्ड, ए के ए ट्रिगर इंसान और लाइव इंसान का वर्ल्ड। और भाई देखो, यहाँ पे मेरे पास एक सिचुएशन है कि मेरे को इनका जो वर्ल्ड है ये मेरे को बनाना है फुल सर्वाइवल मोड के अंदर। मैं बिल्कुल भी क्रिएटिव का यूज़ नहीं कर सकता हूँ, और साथ साथ में जितनी प्रोग्रेस उन्होंने अपने वर्ल्ड में करी है वो सारी चीज़ें मुझे भी करनी होंगी, भले वो नेदरराइट का आर्मर हो, बीकन हो और बाकी सब चीज़ें भी। और साथ साथ में मुझे उनके जैसा घर विलेज हर जगह ढूंढनी पड़ेगी। पर उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मखदूम, मेरी तरफ से आप सभी को चुम्मी। अच्छा तो गाइस देखो, चैलेंज की शुरुआत में मेरे पास एक और चैलेंज आ गया कि यार देखो, जो ट्रिगर्ड भाई का वर्ल्ड है वो है एक विलेज के अंदर में, और वो जो विलेज है भाई उसके लिए मेरे को चाहिए होगा सीड ताकि मैं उनके सेम टू सेम वर्ल्ड बना सकूं। पर यहाँ पे एक दिक्कत थी कि यार वो खेलते हैं जावा एडिशन और मैं खेलता हूँ पॉकेट एडिशन, तो दोनों के सीड बहुत ही ज़्यादा अलग अलग है यार, तो इसलिए मेरे को इसमें दिक्कत बहुत ही ज़्यादा होने वाली थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक रैंडम सा वर्ल्ड बना लिया जाए और उसके अंदर मैं सेम टू सेम विलेज में ढूंढने की कोशिश करूँगा। अगर नहीं मिलता तो थोड़ा बहुत जुगाड़ वगैरह लगा के वर्ल्ड को सेम टू सेम बना लेंगे यार, क्या ही दिक्कत है। तो सबसे पहले मैं निकल गया यहाँ पे थोड़े बहुत टूल्स वगैरह बना के विलेज की खोज में, और भाई मेरे को नहीं पता था कि मेरे को कितना टाइम लगने वाला है विलेज को ढूंढने में, पर मैं निकल गया भाई साहब। फाइनली बहुत ही ज़्यादा मेहनत के बाद में मेरे को एक विलेज मिल ही गया जो कि सेम टू सेम लग रहा था मुझे ट्रिगर्ड भाई के विलेज जैसा। तो मैं यहाँ पे आ गया और सबसे पहले मैंने काम जो करा वो था यहाँ पे इस पूरे विलेज को लूटने का, क्योंकि तो यार देखो मेरे को शुरुआत में थोड़ा बहुत चीज़ें और चाहिए थी जैसे कि फूड वगैरह, और मेरे को ये सारी चीज़ें जो है विलेज के अंदर से मिल सकती थी ताकि मैं आगे की जो प्रोग्रेस है उसे आराम से कर सकूं। और यहाँ पे भाई मैंने मस्त तरीके से पूरा पहले विलेज वगैरह लूट। अगर क्यों मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? पता नहीं। तो इस सब के साथ में मैं आ गया भाई माइन के अंदर में थोड़ी बहुत माइनिंग करने, और यहाँ मेरे को दिख चुका था थोड़ा बहुत आयरन, तो मैंने फटाफट से यहाँ पे तोड़ लिया ताकि यार यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत बेसिक टूल्स बना के अपनी प्रोग्रेस को फास्ट कर सकूँ। और मैं ओके देखो, इसके बाद मेरे को जाना था यहाँ पे डायमंड ढूंढने भी, तो इसलिए मैंने सोचा पहले थोड़ा बहुत बना लेते हैं आयरन का आर्मर, फिर डायमंड का बनाने में ज़्यादा दिक्कत हमें नहीं होगी। तो गाइस थोड़ी बहुत माइनिंग वगैरह करने के बाद में मैंने यहाँ पे सोचा कि थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे सैंड को स्मेल्ट करने के लिए रख देता हूँ, क्योंकि यार देखो अब मेरे को बनाना था ट्रिगर भाई जैसा घर, और उनके घर में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में जो है ग्लास का यूज़ करा गया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर एक ग्लास बन देते हैं और इसके बाद में हम लोग निकल जाएंगे यहाँ पे ओक वुड की तलाश में ताकि हम भाई उनके जैसा घर बना पाएँ। तो यहाँ पे सारा का सारा ये जो है मैंने ग्लास स्मेल्ट होने के लिए रख दिया और मैं चला गया यहाँ पे ओक वुड तोड़ने। तो गाइस जितने भी मैं लॉक्स लाया था मैंने उन सबको पहले प्लैंक्स बनाए, और भाई उन सब के प्लैंक्स बनाने के बाद में मैंने यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत एरिया को प्लेन करना चालू कर दिया ताकि यहाँ पे जो है मैं घर को आराम से बना पाऊँ और मेरे को किसी भी टाइप की डिफिकल्टीज़ का सामना ना करना पड़े। और भाई मैंने एक और चीज़ का ध्यान दिया कि जो ट्रिगर्ड भाई का घर है उसके बगल में एक छोटी सी झोपड़ी भी है जो कि विलेज में ही होती है सेम टू सेम वही झोपड़ी, तो भाई मेरे को उसका भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ रहा था उस वाले घर को बनाने से पहले। गाइस देखो मैंने इसके बाद में जो है घर को बनाना स्टार्ट कर दिया, पर यार देखो जो मेरे पास मेजरमेंट थी वो अप्रॉक्स थी, मेरे पास बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट नहीं थी, क्योंकि यार देखो मैंने सब कुछ उनकी वीडियो में देख के ही सब कुछ मेजर करने की कोशिश करी थी और मेरे को नहीं पता था कि कितना परफेक्ट बन पाएगा या फिर कितना बेकार बनेगा। वैसे मैं अपना फुल ट्राई कर रहा था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेम टू सेम बना सकूँ, और मैं इसी कोशिश में लगा रहा कि मैं जितना परफेक्ट कर सकता हूँ उतना ही परफेक्ट मेजर करूँ। तो गाइस घर बनाने के दौरान जो है यहाँ पे मेरी सैंड खत्म हो गई, और देखो मेरे को यहाँ पे सैंड लेने आना पड़ा बहुत ही ज़्यादा दूर, इसलिए मैंने अपने कोऑर्डिनेट्स को भी ऑन कर लिया। और भाई साथ साथ में मेरा जो है कोल भी खत्म हो चुका था, तो यहाँ मैं नीचे चला गया माइन के अंदर मैं कोल ढूंढने। तो मेरे पास अभी भी देखो आर्मर नहीं था क्योंकि मेरा आयरन जो है स्मेल्टिंग पे ही था अभी भी, तो भाई यहाँ मेरे को थोड़ा बहुत रिस्क लेके जाना पड़ा माइन के अंदर में। और जब मैं माइन के अंदर में गया तो मेरे को खूब सारे जॉम्बी से सामना करने के बाद मैं गलती से मिल गया एक डायमंड, और मैंने उस डायमंड को फटाफट से तोड़ के अपने संग रख लिया, और जितना भी कोल था उसे लेके मैं बाहर आ गया सही सलामत, पर बड़ी मुश्किल से आया वो मेरे को पता है। चल झूठा। और उसके बाद में मैंने जो है घर को कंप्लीट करना स्टार्ट कर दिया, और साथ साथ में मैंने जो है जो शुगर केन फार्म है उससे भी बनाना स्टार्ट कर दिया जो कि बिल्कुल घर के सामने ही बनना था, तो मैंने सोचा कि दोनों काम को साथ में ही हम लोग ख़त्म कर देंगे।
3:28 AM. तो गाइस देखो शुगरकेन फार्म तो पूरी तरह से हमारा रेडी हो चुका था, जो कि देखने में मेरे को तो मस्त लग रहा था भाई। आप लोग बताओ आप लोगों को कैसा लग रहा है। और साथ में जो है हमारा घर भी बन के रेडी हो चुका था, तो देखो ये मेरे को तो बहुत ज़्यादा बड़े लग रहे थे। और जितनी प्रोग्रेस हुई ना भाई, ये सारी सर्वाइवल में हुई तो मैं दिख भी रहा होगा। और ये जो घर है मैंने इसे फुल कोशिश करी है कि मैं और अच्छा बना सकूं। और जो भी अंदर का सामान है ये सारा मैंने टेम्प्रेरी बेसिस पे लगा दिया था, बाद में मैं इसे रिपेयर कर रहा था। और भाई देखो अभी तो कुछ ऐसा घर देखने में लग रहा था भाई। इसके बाद जो है अब मेरा प्लान था कि मैं डायमंड ढूंढने जाऊँ, क्योंकि देखो हमारा जो मेन काम है वो तो हम पहले करेंगे, और उसके बाद में छोटे मोटे काम जैसे कि रेड वगैरह जो भी टिकट भाई ने करी है और बाकी चीज़ें भी वो हम लोग बाद में करने वाले थे। और बात रही बीकन की, तो भाई देखो बीकन उनका आयरन का बीकन है, तो भाई उसे भी हम लोग बनाने वाले हैं। तो उसके लिए मैं बैक एंड में आयरन कलेक्ट करता जा रहा हूँ, जो कि तुम्हें मैं एंड में दिखा दूंगा। तो चलो फटाफट से थोड़ा बहुत सामान वगैरह इकट्ठा करने के बाद मैं यहाँ पर निकल गया था माई डायमंड की माइनिंग करने। तो गाइस इस पॉइंट पे जो है मैंने गेम के अंदर में डाल दिया था एक नाइट विजन का रिसोर्स पैक, बस यार अपनी कन्वीनियंस के लिए, और साथ साथ में तुम्हें भी यहाँ पे सही से दिखाई दे जाएगा तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए भी। क्योंकि देखो यार डायमंड ढूंढना तो आसान है, पर यार अभी थोड़ी बहुत मेरे पास टाइम थोड़ा कम था इस मोमेंट पे, तो मैंने कहा फटाफट से डायमंड ढूंढ लेते हैं रिसोर्स पैक की मदद से। तो भाई देखो बाकी सब कुछ सेम है, गेम मोड अभी भी सर्वाइवल में ही था, और बाकी बस हमने रिसोर्स पैक ऐड करा था और कुछ एक्स्ट्रा नहीं था गेम के अंदर में। तो गाइस अब जो भाई देखो मेरे पास यहाँ पे 32 डायमंड्स हो चुके, तो मैंने उनसे बनाया सबसे पहले अपने लिए आर्मर। और आर्मर बनाने के बाद मैं अब जो मेरे पास काम बचे थे वो सबसे पहले था एक तो शीप और काओ वाला फार्म, और साथ साथ में दो फार्म और थे, एक था हमारा वीट वाला फार्म और एक था हमारा मेलन वाला फार्म। तो ये दोनों फार्म बनाने की मैंने सोची। तो भाई इसके बाद जो है मैंने पहले अपना डायमंड का पूरा सेट पहना और इसके बाद मैं लग गया ये दोनों फार्म बनाने में। तो गाइस जब मैं नेक्स्ट डे वापस से रिकॉर्डिंग करने बैठा तो भाई मैंने भाई अपना फार्म तो बना दिया, पर मैं अपना रिकॉर्डर ही ऑन करना भूल गया था, जिस वजह से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ और मैं खुद से ही बड़बड़ करता रह गया, जिस वजह से मेरे को अजीब भी लग रहा है। पर कोई नहीं, अब यहाँ देखो हमारा शीप फार्म बन के रेडी है और साथ में ये वीट वाला फार्म भी बन के रेडी है। अब जो फार्म बचा है वो है हमारा मेलन वाला फार्म, जो कि मैं बाद में बनाने वाला था। और यहाँ पर जो है इसके बाद मैं चला गया अंदर अपने बैरल से ऑब्सीडियन, और थोड़ा बहुत जो है मेरे को शीयर वगैरह और बुक वगैरह चाहिए थे ताकि मैं बना सकूँ इंजेंटमेंट टेबल। और साथ में मेरे को जो है शीप की वूल भी कलेक्ट करनी थी ताकि मैं जो है नेदर में जाके एंशिएंट डेब्रिस की माइनिंग कर सकूं, क्योंकि अभी तक मेरे पास यहाँ पे कोई भी मतलब टीएनटी का फार्म नहीं था, यानी कि क्रीपर फार्म। तो बैड से मैं माइनिंग करने वाला था, तो इसलिए पहले मैंने अपने लिए एक एंशिएंटमेंट टेबल बनाई और उसको मैंने जो है छत पर जाके प्लेस कर दिया, जहाँ पर ट्रिगर भाई ने भी अपनी प्लेस करके रखी थी। और मैंने साथ साथ में यहाँ पर शुगर केन भी संभाल के रखा था ताकि मैं और बुक शेल्फ बना सकूं, पर ये सारा काम मैं बाद में करने वाला था। पहले मेरा ध्यान था कि मैं जाऊं और पहले अपना एंशिएंट डेब्रिस को खोज के आऊं ताकि मैं अपना जो है नेदरराइट का आर्मर फुल्ली कंप्लीट कर सकूं। A few inches later. तो गाइस लगभग एक घंटे तक मैंने यहाँ पर जो है पूरा का पूरा शीप का वूल कलेक्ट करा ताकि मैं बेड बना पाऊँ। और यहाँ मेरे पास ना 3 stacks से ज़्यादा शीप वूल इकट्ठा हो चुका था, जो कि मेरे लिए इनफ था और बल्कि ज़्यादा ही था। तो इसके बाद सबसे पहले मैंने एक काम करा, मेरे पास यहाँ पे ऑब्सीडियन पड़ा था, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बनाया अपने लिए एक नेदर पोर्टल। और भाई नेदर पोर्टल को फटाफट से फ्रिंट करने के बाद में हम यहाँ पे निकल गए नेदर के अंदर में नेदर की गहराइयों को चेक करने, और साथ साथ में यहाँ पे अपने लिए एंशिएंट डेब्रिस ढूंढने। और भाई देखो अगर तुम्हें इस वीडियो के अंदर में ज़्यादा तुम्हें दिख रही हो ना थोड़े बहुत टाइम लैप्स वगैरह, तो थोड़ी उसके लिए सॉरी, क्योंकि वीडियो के अंदर बहुत सारे काम हमें करने थे। अगर मैं सारा काम पूरा पूरा दिखाता तो यहाँ पे वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती और आगे भी खूब सारे काम बचे थे, इसलिए थोड़ी वीडियो में तुम्हें टाइम लैप्स ज़्यादा दिख रहे होंगे, तो उसके लिए मैं वापस से सॉरी बोलना चाहूँगा। तो गाइस देखो वाई लेवल 15 के पास आने पर मैंने यहाँ पे जो है माइनिंग करना स्टार्ट कर दिया, और मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि मेरे को जो है बिल्कुल सिमिलर आर्मर बनाना है ट्रिगर भाई जैसा, ताकि भाई बिल्कुल सब कुछ सेम जैसा हो जाए। वैसे अगर कुछ जगह तुम्हें सेम ना लग रही हो तो एक बार ज़रा बताना, वैसे मैंने फुल ट्राई करा है। और आखिर में हमको भाई एक फिनिशिंग टच भी देना था इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को, तो वो भी हम लोग देंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो है मैंने माइनिंग करनी स्टार्ट करी, और यहाँ जो है मैं कुछ इस टाइप से माइनिंग करने वाला था, जैसे मैंने यहाँ पे बेड को प्लेस करा, तो मैं यहाँ पे 2 blocks को लगाने वाला था कुछ इस तरीके से। और भाई इसके बाद जो है मैं यहाँ पे इस वाले बेड को ब्लास्ट कर दे रहा था। Thank you.
अरे देखो यहाँ मेरे को 28 एशियन डर्बीज तो मिल गए थे, पर अगर तुम लोग मेरा एक्सपी लेवल ध्यान से देखोगे तो भाई वो बिल्कुल जीरो हो रखा है। क्योंकि यार मैं मर गया था यार उस वहाँ पे नेदर के अंदर मैं माइनिंग करते करते, क्योंकि मैंने अपने मुंह पे ही एक बेड को ब्लास्ट कर लिया, जिस वजह से मेरा वहीं पे खेल ख़त्म हो गया और मेरा एक्सपी जीरो हो गया। पर बाद में मेरे को कोऑर्डिनेट्स बता दे तो मैं वापस उस कोऑर्डिनेट्स पे गया और मैंने वहाँ से एशियन डर्बीज उठा ली, क्योंकि वो लावा के अंदर मैं नहीं जलते हैं। पर यार देखो मैं बड़ा खुश हूँ, बार बार वो बच गया। और जिसको लग रहा है अभी भी कि मैंने क्रिएटिव से लिया, तो देखो अभी भी फुल सर्वाइवल में है भाई। मैं दिखाना नहीं चाहता, पर मैं उन लोगों के लिए दिखा रहा हूँ जो हेट कमेंट्स करते हैं नीचे वीडियो के कि तुमने क्रिएटिव यूज़ करा है, बस उनके लिए मैं ये चीज़ दिखा रहा हूँ। बाकी जो भाई हैं भाई लोगों ने तो पता ही है। और चलो यार देखो इसके बाद में जो है हमारा सारा सिस्टम सही से चल रहा था, हमारा वहाँ पे जो है काम भी सही से हो रहा था। पर यहाँ पे एक दिक्कत ये थी, जो हमारे सोल सैंड है वो यहाँ पे ना भाई मतलब बबल्स नहीं बना रहा था, और ना ही जो वहाँ पे मैग्मा ब्लॉक था वो भी बबल्स नहीं बना रहा था। जो मेरे को लगा पता नहीं क्या ग्लिच है कुछ है पता नहीं। तो गाइस उससे अगले दिन जो है भाई बहुत सारे खुशी के पल आए कि यहाँ पे जो एक तो हमारे एंशिएंट डेब्रिस पूरी तरह से स्मेल्ट हो चुका था, और साथ साथ में आ जाने वाला था माइनक्राफ्ट का 1.19 वर्जन, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला था और मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा वेट भी कर रहा था। पर यहाँ पे सबसे पहले जो है मैंने अपना सोचा कि पहले आर्मर बनाते हैं, और यहाँ पे उसके लिए मेरे को चाहिए थी टेबल पर, उसके लिए मेरे को यहाँ पे दो आयरन के इंगट भी चाहिए थे। तो फटाफट से सबसे पहले जो है यहाँ मैंने टेबल वगैरह बना ली, और उस टेबल को बनाने के बाद मैंने अपना जो है आर्मर को पूरा नेदरराइट में कन्वर्ट करा। और अगर तुम लोग ध्यान से मेरे आर्मर की एक्सपी देखोगे, एक्सपी नहीं अगर तुम लोग हेल्थ देखोगे, तो बिल्कुल जीरो हो रखी है। और एक तो मेरी चीज़ यहाँ पे खो भी रखी है, क्योंकि मैं वहाँ मर गया था, मेरे को जो चीज़ें मिल पाई वो मैं उठा के ले आया, बाकी सब चीज़ वहाँ पे मेरी खो गई। और मेरे पास ज़्यादा डायमंड थे भी नहीं, तो मैं और चीज़ें वापस बना भी नहीं सकता था। पर जितना भी था भाई मैं उसी में खुश था, और मैंने इसी को जो है अपना नेदरराइट में कन्वर्ट कर लिया। और फाइनली हमारे पास यहाँ पे नेदरराइट का आर्मर हो चुका था, वो अलग बात है बस पूरा आर्मर नहीं है, पर हाँ हो चुका था, जो कि मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये सारा काम भाई साहब करके एकदम मज़े से आ गए। और जो है इसके बाद मैंने गेम को कर दिया अपडेट, और भाई गेम को अपडेट करते ही मेरे सारे वर्ल्ड डिस्पॉन हो गए, और भाई मेरा ये जो वर्ल्ड था ये भी पूरी तरह से डिस्पॉन हो गया, जिसे देख के मैं बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया। क्योंकि अभी हमारे पास जो है खूब सारी प्रोग्रेस वगैरह बची थी जो कि हमें करनी थी, और साथ साथ में बीकन बनाना था, रेड वगैरह करनी थी, जो सब मेरे को करना था वो सारा प्लान यहाँ पे ख़त्म हो गया। पर देखो मैं चाहता तो भाई हो सकता है इस वीडियो को ना अपलोड करूँ, भाई मेरे को कुछ नहीं पता, मन करा तो कर दूंगा, नहीं करा तो नहीं करूँगा। और अगर ट्रिगर भाई आप इस वीडियो को देख रहे हो तो सॉरी यार, क्योंकि मैं फुल कोशिश कर रहा था, पर एकदम से अपडेट आने की वजह से पूरा वर्ल्ड ही डिस्पॉन हो गया, वर्ल्ड क्या पूरा वर्ल्ड ही उड़ गया। अब जिस चक्कर में मैं बाकी का आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाया, और मेरे पास बैकअप फाइल्स भी नहीं थी, तो बहुत ही ख़राब सीन हो गया। पर कोई नहीं यार, अगर